कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और कैसे जा रहे हैं आप सबके रोज़े? उम्मीद है कि अच्छे जा रहे होंगे। अब तो सिर्फ 2 दिन बाकी है। रमज़ान इतने तेज़ी से गुजर गया कि पता ही नहीं चला। और मान लें आप लोग पहले मुझे कि डेली व्लॉग नहीं आ रहा था, तो मैं क्या करूँ यार, मैं बहुत ज़्यादा बिजी था और वो भी आप लोगों की वजह से। कुछ न्यू कॉन्टेंट सोच रहा था अभी से, क्योंकि अब बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले जो मज़ा आएगा वो इंस्टाग्राम में आएगा। इंस्टाग्राम में कुछ न्यू चीज़ें आएंगी। इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किए तो जल्दी से जाके फॉलो कर लें, क्योंकि उसी में बहुत ही धमाकेदार न्यू चीज़ आने वाली है। और यूट्यूब चैनल पे भी आएगा बहुत जल्दी। और आज से इंशाल्लाह डेली व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। अब डेली व्लॉग होगा। अगर डेली व्लॉग नहीं हुआ, आप लोग चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना बस। लेकिन सबसे पहले आप लोग कर लें चैनल को सब्सक्राइब। आज से डेली व्लॉग इंशाल्लाह आएगा। और सब्सक्राइब करें और करें व्लॉग एंजॉय। तो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मैंने कल फर्स्ट बार मिनी व्लॉग बनाया है। मैं गया था कल अपनी शॉपिंग करने। इससे पहले जो शॉपिंग का व्लॉग था वो लॉन्ग था, वो मैंने अपलोड कर दिया था यूट्यूब में। कल मैं अपनी सेकंड शॉपिंग करने गया था, तो मैंने कहा चलो लॉन्ग व्लॉग तो नहीं बना सकता, मिनी व्लॉग ही बना लेता हूँ। तो मिनी व्लॉग बना था। बहुत बहुत ही मेहनत किया मैंने उस मिनी व्लॉग में। मेरा इस व्लॉग में जितना मेहनत नहीं लगता ना, उतना उस व्लॉग में लगा एडिटिंग करने में। तो आप लोग जाके लाजमी देख लेना। यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर दिया, इंस्टाग्राम पे भी डाल दिया, तो लाजमी जाके देखना, लाइक भी कर देना। और अभी मैं जा रहा हूँ शॉप, और फिर मुझे आने के बाद बहुत सारे काम है, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बाकी है ईद में, और मुझे अपनी सारी तैयारी भी करनी है। तो जाते हैं शॉप, आने के बाद मिलते हैं। 2 hours later आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही टेंशन में हूँ। मुझे इतने सारे काम करने हैं अभी, और एक भी काम नहीं हुआ। आज मैं शॉप से भी लेट आया हूँ, 4:10 हो चुके हैं। और मैं अभी सबसे पहले अपना लैपटॉप निकालूंगा, क्योंकि इंस्टाग्राम में कुछ मसला हो गया, वो मुझे सेट करना है। मैं अपने सारा जो है ना इंस्टाग्राम फेसबुक सबका एक ही नेम कर रहा हूँ, जैसे जो यूट्यूब में वो फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी हो, ताकि आप लोग आसानी से जाके सर्च करो और मेरी आईडी आप लोगों को मिल जाए। इस वजह से मैं नाम चेंज कर रहा था, शॉप में ही बैठ के कर रहा था, बट किसी में हुआ किसी में नहीं हुआ। और मिनी व्लॉग जो था वो भी मैंने अपलोड कर दिया, बहुत ही बहुत मुश्किल से एडिट किया। उसमें जो वॉइस रिकॉर्ड करना था ना अपना, बहुत मुश्किल हुआ। आप लोग जाके मिनी व्लॉग लाजमी देखना। टिकटॉक पर भी डाला हूँ, फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी, हर जगह मिनी व्लॉग डाला हूँ। और आज जो है, आज मैं सोचा हूँ कि इफ्तार के बाद जाके अपने हेयर भी कट करवा लूँ और शेप वगैरह भी बना लूँ। और क्योंकि सिर्फ 2 दिन है और बहुत ज़्यादा ही रश हो जाता है। वो तो मेरा दोस्त है, उसके पास तो 10 दिन से बहुत ज़्यादा ही रश हो रहा है, लेकिन मैं उसको कॉल करके जाता तो मेरा काम आसानी से हो जाता है। तो अभी मैं सबसे पहले अपना लैपटॉप निकालूंगा, लैपटॉप निकालने के बाद सबसे पहले अपना काम करूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा काम का ही टेंशन है। तो चलता हूँ जल्दी से अपना लैपटॉप निकालता हूँ। मैं अपना लैपटॉप ऑन कर चुका हूँ। मुझे लैपटॉप में इतना ज़्यादा काम है ना अभी, मुझे सारे अकाउंट्स वगैरह अपने जो है वो सेट करने हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं व्लॉग भी बनाऊं और इसको सेट भी करूं, तो क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन व्लॉग बनाना भी मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने कहा चलो व्लॉग भी बनाता हूं और इसको मैं सेट भी कर लेता हूं। और मुझे करना था फेसबुक में कुछ अपलोड, तो आप लोग फेसबुक पर ही जाके देख लेना। जो यूट्यूब नेम है अब वो हर जगह वही नेम चलेगा, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक में मैंने वही नेम कर दिया, सब में मैंने चेंज कर दिया। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, तो आप लोग आसानी से जाकर मेरी आईडी हर जगह ढूंढ सकते हैं। तो लेट्स गो, चलते हैं लैपटॉप की तरफ और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। फर्स्ट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अपने इंस्टाग्राम। ये देखिए इंस्टाग्राम में मेरा यूज़र जो नेम है वो है शेबी सईद। फिर सेकेंड नंबर में आ गया फेसबुक अकाउंट शेबी सईद। फिर थर्ड नंबर में आ गया मेरा यूट्यूब, जो आप लोग देखते हैं। फिर मैं आप लोगों को वेट अपना टिकटॉक भी दिखा देता हूँ, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को क्लियर करवा देता हूँ। फिर उसके बाद मुझे पोस्ट वगैरह कुछ करने, तो फिर मैं आप लोगों को वो भी दिखाता हूँ। तो ये टिकटॉक में लॉगिन कर लेता हूँ, इसको मैं लॉकआउट करता हूँ। पहले इसमें डालना होगा पासवर्ड, तो मैं सबसे पहले पासवर्ड डालता हूँ। ओपन हो गया खुद ही, हाँ खुद ओपन हो चुका है प्रोफाइल।
ये देखें, ये ओपन हो गया मेरा टिकटॉक। अभी मैंने इसमें मिनी व्लॉग जो था इसमें मैंने अपलोड किया है, तो ये देखें टिकटॉक में भी शेवी सईद, यूट्यूब में भी शेवी सईद, फेसबुक में भी शेवी सईद, इंस्टाग्राम में भी शेवी सईद। और साथ ही आप लोग माशाल्लाह बोल लेना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है यार ये पूरा अकाउंट चलाने में। तो अभी मुझे सबसे पहले अपने जो YouTube में मिनी व्लॉग जो मैंने अपलोड किया उसकी वो सेटिंग वगैरह करनी है, तो मैं जल्दी से अपना काम फारिग करता हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। अभी लैपटॉप में काम कंप्लीट नहीं हुआ है, जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थी उसमें मैंने अपना काम क्लियर कर दिया। इंस्टाग्राम में भी सारी चीज़ें क्लियर हो गई है, टिकटॉक पे भी, यूट्यूब पे भी और फेसबुक पर भी क्लियर हो गई है, लेकिन अभी कुछ काम पेंडिंग पर है मुझे करना है। लेकिन अब हो गया नमाज का टाइम, तो मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने, फिर आने के बाद मैं अपना काम क्लियर करूँगा, फिर ही लैपटॉप ऑफ करूँगा। अभी लैपटॉप ऐसे ही ओपन पड़ा है, तो अभी जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने। पढ़ लिया और अब मैं आ चुका हूँ दोबारा से रूम में, क्योंकि काम कंप्लीट नहीं हुआ था, मुझे काम करना है तो लेट हो जाएगा, इस वजह से मैं सबसे पहले अपना काम क्लियर करूँगा, फिर उसके बाद जाकर अपना लैपटॉप उठाऊँगा। अभी मुझे जो काम है वो है फेसबुक पे वीडियो अपलोड करना, अब कौन सा करूँगा ये नहीं दिखाऊँगा, आप लोग जाके फेसबुक पर देख लेना, और करना मुझे इंस्टाग्राम पर, आप लोग दोनों जगह जाके देख लेना। मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, थोड़ा शाम होता है ना तो शाम के टाइम थोड़ी सी हालत टाइट होती है, और वैसे भी कल भी मौसम काफ़ी अच्छा था, मिनी व्लॉग बनाया बहुत मज़ा आया, और आज भी मौसम माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा है। तो अब जल्दी से जो मुझे वीडियो अपलोड करनी है मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, फिर डन, उसके बाद लैपटॉप ऑफ करूँगा। फाइनली काम वगैरह डन हो चुका, आप लोग को अब बेचैनी लगी होगी कि मैंने फेसबुक पे क्या अपलोड किया, मैं आप लोगों को कलकत्ता झलक दिखा लेता हूँ, बस आप लोग थोड़ा ही सा देखना है, ये मैंने बस ये अपलोड किया, देख लिया आप लोगों ने, अब जाके आप लोग फेसबुक में देख लेना, आप लोगों को फेसबुक का नाम पता है ना, लाजमी फेसबुक में जाके। अब मैं जल्दी से अपना लैपटॉप ऑफ करता हूँ, क्योंकि मुझे अभी और भी काम है, और आज जाना है मुझे अपना हेयर कट करवाना है इफ्तारी के फ़ौरन बाद, तो जल्दी से सबसे पहले अपना लैपटॉप ऑफ कर दूँ मैं, जाया जल्दी के लिए। लैपटॉप अपना पैक कर चुका हूँ, और लैपटॉप का तो आजकल मैंने इसी रूम में जगह बनाया हुआ है, मैं इधर ही रख रहा हूँ टेबल के नीचे, तो टेबल बहुत भारी है, इसको सबसे पहले मैं रखता हूँ, फिर उसके बाद जाकर अपना लैपटॉप रखूँगा। ये टूट रही नहीं है यार, बहुत भारी है। सेट लैपटॉप रखूँ अब मैं जल्दी से, क्योंकि थक गया यार, भूख लग रही है आज मुझे, पता नहीं क्यों अपना लैपटॉप रख दिया। और मैं अपने साथ रजिस्टर भी रखा हुआ था रजिस्टर में, क्योंकि मैं इतनी सारी चीज़ें यार याद नहीं रहती, सारी चीज़ें लिखनी होती है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मैंने इसमें लिखा याद है, चले आप लोग देख ले, वो मैंने नहीं लिखा, मैंने किसी से लिखवाया, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। ये तो मेरे एक बरसों का पड़ा हुआ है सेकेंड ईयर का, वो मैंने जब टेस्ट वगैरह दिया था ना उस टाइम का, ये देखें ये क्या कीड़ा बनाया हुआ है, ये मैंने किसी से लिखवाया मैं, क्योंकि मैं लैपटॉप में काम करता था, मैंने बोला एक एक चीज़ लिखते जाऊंगा ताकि मुझे खुद भी समझ आए ये चीज़ क्लियर हो गई है या नहीं। तो जल्दी से मैं ये रजिस्टर रखता हूँ, मैं ऊपर टेरिस पर आ गया रजिस्टर रखे, क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मैंने कहा चलो थोड़ा टेरिस पर चलता हूँ, वो मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है, शाम का व्यू है, और इफ्तारी होने में अभी टाइम बाकी है, 20 मिनट बाकी है, तो मैंने कहा चलो 10-15 मिनट ऊपर बैठ जाता हूँ, फिर उसके बाद नीचे चले जाऊँगा, नीचे फिर आप लोगों को इफ्तारी दिखा दूँगा। आज मैं किचन में गया ही नहीं, आज अभी ये 3-4 दिन से ऐसा ऐसा मतलब ना बिजी डे चल रहा है ना मेरा, मैं क्या बताऊँ, सिर्फ सारे दिन बिजी, काम 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 काम, सिर्फ काम। आज भी आप लोगों ने देखा लैपटॉप में कितना ज़्यादा काम था, वो मैं काम ही कर रहा था, और अभी फारिग हुआ तो इस वजह से किचन में नहीं गया। अभी नीचे जाऊँगा तो आप लोगों को इफ्तारी दिखाऊँगा, और हवा माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है इधर, तो थोड़ा सा इधर बैठता हूँ, फिर दैन उसके बाद नीचे जाऊँगा। अजान होने में 10 मिनट बाकी और सूरज भी नीचे जा रहा है, मैं भी नीचे जा रहा हूँ, मुझे वजू बनाना और इफ्तारी दिखाना है आप लोगों को, दैन फिर उसके बाद इफ्तारी करना भी। इफ्तारी अभी तक नहीं लगी है, लेकिन मैं इधर बैठ के इफ्तारी का इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी से इफ्तारी लगे, अब सिर्फ 17 मिनट बाकी है, जैसे ही इफ्तारी लगता है मैं फिर आप लोगों को इफ्तारी दिखाता हूँ।
फिर उसके बाद मुझे ना इफ्तारी के फौरन का मतलब फौरन बाद इफ्तारी ख़त्म होगी 7:30 बजे मुझे जाना है यार सैलून। उसने दोस्त ने कहा यार फौरन आ जाना क्योंकि फिर रश हो जाता है, तो भी देखते हैं यार जाता हूँ मैं उसके पास। अल्लाह करे कि खाली हो तो बैठ के मैं कटवाऊंगा। उसने तो मुझे यही कहा यार खाली होगा तुम बैठ जाना, तो फिर चेक करते अभी इफ्तारी आ रहा है। इफ्तारी कंप्लीट हो गई और नमाज़ पढ़ के भी फारिग हो चुका हूँ, और आप लोगों को मैं अजीब सा लग रहा हूँगा क्योंकि काफ़ी दिन बाद मैंने टोपी उतारा और हेयर काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, मुझे जाना था 7:30 बजे लेकिन मैं बैठा हुआ था इफ्तारी करने के बाद, हिम्मत नहीं होता इस वजह से। तो देखता हूँ अब वहाँ पर रश हुआ तो काफ़ी ज़्यादा मसला हो जाएगा, नहीं हुआ तो फिर मैं बैठ के अपना हेयर सेट वगैरह करवा लूँगा। और शेप भी माशाल्लाह दोस्त ने न्यू शॉप ओपन किया दूल्हा उसके नाम से, चेक करते हैं अंदर। और हमारे जैन भाई बैठे हैं, जैन भाई से अपना हेयर कट वगैरह करवाने। और जैन भाई सलामकुम, कैसा कहाँ घूमे यार? मैं अभी आया था आपके ही, चलिए कटिंग वटिंग। हाँ एक बंदा कितना दिन लगे यार? एक घंटा लगे सामने वाले इनकम से जैन अभी इस भाई की कटिंग कर रहे हैं, इस भाई की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी फिर मेरा नंबर आ जाएगा। फाइनली वेट कर रही हूँ, नंबर आ चुका और अभी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि किस तरह से मुझे अपना हेयर कट करवाना है। अभी बिफोर तो ये, आफ्टर आई हैव नो आइडिया। तो जैन को बोलते कोई अच्छी सी कटिंग कर दे, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया मुझे अपना हेयर वगैरह सेट करवाते हुए, और अब 11 भी बज रहा, मुझे काम भी करना है और फिर प्लस वीडियो एडिटिंग वगैरह भी करना है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा। मैं जा रहा हूँ शावल लेने, तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्ट है, दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।